बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनस मीडिया में। मेहराज रॉब देख रहे हैं सोनस मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्नातक के छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय को 2022 में स्नातक की 5 परीक्षाएं लेनी है, जिसमें से 19 से 22 के 2 है और 20 से 23 के 2 है और एक जो है 21 से 24 वाले का है। ये 5 परीक्षाओं में से अभी एक परीक्षा भी शुरू नहीं हो पाई है। एक हफ्ते पहले जब विश्वविद्यालय से बात की गई थी तो कहा गया था कि फरवरी के महीने में परीक्षा शुरू करवा दी जाएगी। इस बीच में भी बात रखा गया था कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा फरवरी में है, ये संभव कैसे है, तो कहा गया था कि हम ले लेंगे, सेंटर खाली रहते हैं। लेकिन आज से 2 से 3 दिन पहले जब बिहार बोर्ड ने कहा कि हमें डेस्क बेंच नहीं मिल रहा है इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, वैसे स्थिति में बिहार बोर्ड के मैट्रिक एवं इंटर के छात्र छात्राएं जिनका परीक्षा होना है सेंटर पर वो जाएंगे, यदि उनको रूम में जगह नहीं मिलता है तो बरामदे में बैठ करके एग्जाम देंगे, यदि वहां पर भी जगह नहीं मिलता है तो तमाम कॉलेज के जो केंद्राधीक्षक है इंटर और मैट्रिक के, उनको आदेश दिया गया है कि फील्ड में पंडाल लगवाए और वहां पर इंटर और मैट्रिक की परीक्षा ले, तब जाकर के यूनिवर्सिटी को समझ में आया कि हाँ बाबा सेंटर तो खाली नहीं है, तब जाकर के यूनिवर्सिटी ने कहा कि फरवरी में अब कोई एग्जाम नहीं होगा। चूंकि इस वीडियो में हम स्नातक परीक्षाओं के बारे में बता रहे तो कोई एग्जाम न होने से मतलब है कि स्नातक की कोई परीक्षा फरवरी में नहीं ली जाएगी। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा चाहे तो विश्वविद्यालय ले सकती है, क्योंकि पीजी का जो सेंटर होता है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होता है, तो वहां पर इंटर मैट्रिक एग्जाम नहीं होता है, तो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा ले सकती है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले 19 से 22 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है, यूनिवर्सिटी से अब आदेश आ गया है कि आपको कॉलेज में जाकर के आवेदन देना है। आवेदन देने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड का आप जीरोक्स ले जाइएगा, उसके बाद से जो आपका रिजल्ट आया है पार्ट 1 का वो नेट से डाउनलोड कीजिए, उसका जो है प्रिंट आउट निकलवाइए और उस रिजल्ट और एडमिट कार्ड के साथ अपने संबंधित कॉलेज जहां पर एडमिशन आपका है वहां पर आप पहुंचिए। प्रिंसिपल को सख्त आदेश दिए गए हैं कि छात्र छात्राएं जितने भी आवेदन कर रहे हैं कॉलेज में उसको जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी में पहुंचाई जाए, क्योंकि यहां पर रिजल्ट सुधारने के लिए 9 टैबुलेटर को नियुक्त किया गया है और यूनिवर्सिटी कह रही है कि 5000 रिजल्ट जो था वो पेंडिंग था, जिसमें से लगभग 2 से 2500 और रिजल्ट पेंडिंग बचे हुए हैं। इसलिए छात्र छात्राओं को कहा गया है कि जल्द से जल्द वो कॉलेज में आवेदन दें ताकि उनका रिजल्ट सुधार दिया जाए। देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है वो कॉलेज में जाकर के आवेदन जल्द से जल्द अपनी दे। तो आवेदन देते समय ध्यान रहे जो मैंने आपको बताया है कि रिजल्ट का जीरोक्स और पार्ट 1 एडमिट कार्ड का जीरोक्स जरूर लगाएं। अब हम आते हैं परीक्षाओं के ऊपर। अब देख पा रहे लंबित परीक्षाएं फंसी, अब मार्च में ही शुरू हो सकेगी स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा। सिर्फ पार्ट 1 ही नहीं, यहां पर पार्ट 2 भी है आप देखिएगा, तो इसमें कहा गया कि स्नातक 20 से 23 सत्र के छात्रों की अभी पार्ट 2 की परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा भी नहीं हो सकी है। इस तरह स्नातक 19 से 22 के अभी पार्ट 3 की परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अभी पार्ट 1 के रिजल्ट में सुधार हो रहा है। देखिए 2 पार्ट 2 का एग्जाम होना है, 19 से 22 वाले का भी और 20 से 23 वाले का भी। 2022 में 2 पार्ट 2 का एग्जाम होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए अब इन परीक्षाओं के ऊपर डेट वगैरह के बारे में यदि कहा जाए तो यूनिवर्सिटी में हमेशा ये रहता है कि अगले हफ्ते या 2 से 3 दिन बाद जो है इसको क्लियर कर दिया जाएगा। पिछले 10 दिन से हो रहा है कि 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद इसको जो है वह क्लियर कर दिया जाएगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखिएगा तो कहा जा रहा है कि स्नातक पार्ट 1 20 से 23 और फिर स्नातक पार्ट 2 19 से 22 परीक्षा लेने की तैयारी है। अब बताइए यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि पहले पार्ट 1 का एग्जाम होगा तब जाकर के पार्ट 2 का एग्जाम होगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले 19 से 22 के पार्ट 2 का एग्जाम ले लेना चाहिए ताकि उनके पार्ट 3 का एग्जाम जल्द से जल्द ले लिया जाए, और जो 2023 में, क्योंकि 23 में ही 19 से 22 का रिजल्ट क्लियर होगा पार्ट 3 का, तो 23 में जो पीजी एडमिशन होता है चाहे बिहार में बीएड में एडमिशन होता है चाहे छात्र कहीं और जाके पढ़ना चाहे तो 23 वाला साल उसका बर्बाद ना हो। 23 में एडमिशन फरवरी में आपको पता ही है कि फरवरी मार्च तक शुरू हो जाती है, तो पहले यूनिवर्सिटी को जो है पार्ट 2 का एग्जाम लेना चाहिए 19 से 22 का, और यही होगा। अखबार में इधर उधर कर दिया गया है, कोई बात नहीं है, हम आपको बताते रहेंगे समय के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो इस परीक्षाओं के तिथि के बारे में कहा गया कि ठीक है पार्ट 1 पार्ट 2 के तिथि वगैरह के बारे में क्या विचार है, तो कहा जा रहा है अब देखिए कि 2 से 3 दिन में स्नातक के लिए भी फॉर्म भरने पर निर्णय ले लिया जाएगा। अब यूनिवर्सिटी में फॉर्म किस तरीके से भरा जाए इस पर फाइनल डिसीजन के लिए फिर से कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में जो है इस पर निर्णय ले लिया जाएगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा फॉर्म कब से और किस तरीके से भरा जाए। तो आज की ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, आप देख पा रहे स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।